पहले मैंने आपको दिखाया था गाजर का हलवा, वो भी देसी स्टाइल में, और इस बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ लड्डू, ये भी है देसी स्टाइल में। सारे ड्राई फ्रूट्स को सबसे पहले देसी घी में तल लेना है और इनको आखिरी में मिक्सी में ग्राइंड किया जाएगा, जिसमें काजू किशमिश मखाने और गरी है। ड्राई फ्रूट्स को तलने के बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के 1 से 1.5 किलो आटा डाला जाएगा और ये आटे को तब तक सेकना है जब तक ये कुछ इस कलर का नहीं हो जाता है। आटा को सेकने के बाद इसको छानना बहुत जरूरी है, इससे जो मोटा आटा रहेगा वो अलग हो जाएगा। फिर इसमें डालना है शक्कर का बुरादा, फिर डाले जाएंगे इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद। फिर 1/2 किलो गुड़ को कढ़ाई में पिघलाना है, थोड़ा सा पानी डालने में ही गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा। फिर गुड़ को छान लेना है क्योंकि इसके अंदर भी कंकड़ वगैरह रहते हैं जो टेस्ट को खराब कर सकते हैं। फिर इसमें आएगा घी, अच्छा खासा घी डाल के सबको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद लड्डू का शेप दे देना है। लड्डू बन के तैयार है। मोर मिनी ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब कर देना।